मंदुरी एयरपोर्ट आजमगढ़ से 2020 में उड़ान का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी माह अब मुक्त करेगा अवशेष धन। आजमगढ़ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का सपना सच होने में धन की कमी बनी बाधा, जल्द ही दूर होने वाली है। धन अवमुक्त होते ही अवशेष मिट्टी का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद टीम द्वारा तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि नए वित्तीय वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री उड़ान के साथ ही अगस्त तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा जिले को देंगे। रनवे व टर्मिनल के निर्माण पर कुल 18,21,49,000 खर्च होने हैं। 3 करोड़ से अधिक की धनराशि अब भी अवमुक्त होने बाकी है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अक्टूबर में शेष धनराशि अवमुक्त हो जाएगा। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तकनीकी टीम ने मंदुरी एयरपोर्ट का परीक्षण करेगी। संभावना जताई जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में 100 सीटर विमान की उड़ान शुरू हो जाएगी। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने के बाद रेशमी साड़ी के लिए मशहूर मुबारकपुर जुड़ जाएगा। ODOP में शामिल होने के बाद उड़ान व एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद मुबारकपुर उत्पादक को अपना ब्रांड मिलेगा। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में ही बुनकरों को विपणन केंद्र का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद उद्योग का एक हब